नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों हमारी यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी और अब तक दोस्तों इस परीक्षा वाणी सीरीज में हम आपको 10 लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं परीक्षा वाणी के। तो जिन अभ्यर्थियों ने दोस्तों अभी तक 10 लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहां से इन 10 लेक्चरों को आप जरूर देखें। और बीच में दोस्तों मैंने ये परीक्षा वाणी सीरीज रोक दी थी क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी, वो काफी पीछे छोड़ गई थी। तो लगातार अब तक आपको देखने को मिला YouTube में लगातार आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की क्लास चलाई गई। तो इंडियन हिस्ट्री के जो भी अब बचे हुए टॉपिक हैं वो भी आते रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे इस मई माह में दोस्तों आपको परीक्षा वाणी हम कंप्लीट करा देंगे। और जून माह में आपका बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे मांग कर रहे थे कि हिंदी का कोर्स शुरू किया जाए, तो जून में आपका हिंदी का कोर्स शुरू किया जाएगा। तो आज दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज का 11वां लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार और प्रमुख मेलों के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक जनपद में जितने भी मेले हैं, क्योंकि उत्तराखंड में दोस्तों आप जानते हैं उत्तराखंड अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है पूरे देश में, और इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो अधिक देखने को मिलती है। अत्यधिक यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मेले होते हैं, त्योहार होते हैं। तो जितने भी उत्तराखंड के प्रमुख मेले हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम यहाँ पे इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सारे मेले और सारे त्योहार दोस्तों इसी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों ये परीक्षा वाणी सीरीज, और लगातार आप जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका रिविजन करते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे। और अगर आपको दोस्तों लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अधिक से अधिक अपने राय जरूर दिया करें। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। जनपदवार हम यहाँ पे एक एक करके प्रत्येक जनपद में जितने भी मेले लगते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर लास्ट में जितने भी यहाँ पे प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले, तो कौन कौन से मेले लगते हैं उत्तरकाशी में? लोसर मेला, माघ मेला, विश्व मेला, गेंदुआ मेला, शमशु मेला और बाड़ा हाट मेला। अब इन सभी मेलों के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जो ये लोसर मेला है दोस्तों, ये कहाँ लगता है? उत्तरकाशी जनपद में। और ये किस समुदाय का मेला है दोस्तों? लोसर मेला ये है जाड़ भोटिया समुदाय, जाड़ भोटिया, ये आपको नोट करना है। क्योंकि देखो भोटिया जनजाति के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट सीरीज मैंने इसके बारे में बताया था। भोटिया जनजाति की एक उपजाति है दोस्तों, जाड़ भोटिया उपजाति, जाड़ भोटिया जनजाति। और ये जाड़ भोटिया जनजाति कौन से जनपद में पाई जाती है? तो ये जाड़ भोटिया जनजाति दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में निवास करती है। इनका एक मुख्य गांव है दोस्तों जादुंग, जादुंग गांव, ये इन्हीं जाड़ भोटिया समुदाय के लोगों का है। और ये यही जाड़ भोटिया समुदाय दोस्तों, इन्हीं का एक प्रसिद्ध मेला है लोसर मेला। इस मेले में आटे की होली भी खेलते हैं, आटे की होली के लिए प्रसिद्ध है मेला, आटे की होली। और लगभग दोस्तों लोसर मेला 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। तो लोसर मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। किस समुदाय का विशेष प्रसिद्ध मेला है? तो जाड़ भोटिया समुदाय का ये एक प्रसिद्ध मेला है लोसर मेला, और आटे की होली इसमें खेली जाती है। उसके बाद दूसरा मेला आता है माघ मेला। माघ मेला ये भी उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष दोस्तों मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के समय लगता है, और मकर संक्रांति आती है माघ माह में। और अगर अंग्रेजी महीनों की बात करें तो लगभग जनवरी में, 14-15 जनवरी के आसपास, 13-14 जनवरी के आसपास ये मकर संक्रांति आती है, और उस समय शुरू होता है यहाँ पे माघ मेला, जो कि लगभग 8-10 दिन का ये मेला चलता है माघ मेला। और साथ साथ दोस्तों इस मेले में लगभग बहुत सारी देवी देवताओं की यहाँ पे पूजा होती है। तो 8 दिन का लगभग ये मकर संक्रांति में मेला चलता है माघ मेला, जो कि प्रसिद्ध मेला है उत्तरकाशी का। तीसरा मेला है विश्व मेला। विश्व मेला जो कि शुरू होता है विश्ववत संक्रांति में, विश्ववत संक्रांति। देखो मकर संक्रांति क्या हो गया? माघ मेला। और विश्ववत संक्रांति का हो गया विश्व मेला, जो कि प्रतिवर्ष विश्ववत संक्रांति में उत्तरकाशी के भूटान हो गया, टिकोची, किरोला और देहरादून के आसपास के कुछ क्षेत्र, जैसे चक्राता हो गया, जोनसार हो गया, बाबर जोनसार बाबर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये विश्व मेला आयोजित किया जाता है।
और प्रतिवर्ष ये कब लगता है? तो विषुवत संक्रांति के दिन ये विश्व मेला लगता है। अब ये विश्व मेला क्यों प्रसिद्ध है? तो इस विश्व मेले में दोस्तों ठोटा युद्ध होता है। देखो ये मेले जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो आपको जरूर नोट करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन इसी प्रकार से बन रहे हैं। ठोटा युद्ध, इसमें धनुष बाणों का ये युद्ध होता है, और युद्ध में जो भी प्रतिभागी भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ठोटेरी कहते हैं, ठोटेरी। ठीक है, ये ठोटा युद्ध क्या है? ये है धनुष बाण का युद्ध, धनुष बाण युद्ध। ठीक है, तो ठोटा युद्ध का संबंध किस मेले से है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो यह है दोस्तों विश्व मेला से संबंधित। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे आता है गेंदवा मेला। ये उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के आसपास के क्षेत्रों में लगता है, और इसमें दोस्तों गेंदवा से आप लगा सकते हैं गेंद। ठीक है, गेंदवा खेल होता है, दो भाग में बंट जाते हैं लोग और उसमें गेंदवा खेल का आयोजन किया जाता है। तो काफी प्रसिद्ध मेला है गेंदवा मेला, ये भी उत्तरकाशी जनपद में लगता है। उसके बाद समसू मेला हो गया, ये भी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में लगता है। और बाड़ाहाट मेला, ये मेला काफी प्रसिद्ध है, बाड़ाहाट मेला, ये भी आपका कहां लगता है? उत्तरकाशी जनपद में लगता है। तो ये प्रमुख छह मेले थे दोस्तों उत्तरकाशी जनपद के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं देहरादून जनपद और हरिद्वार जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेलों के बारे में। देहरादून का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो है झंडा मेला। ये दोस्तों सिख समुदाय से संबंधित है, सिख समुदाय से संबंधित इसलिए है कि इस दिन, मतलब जिस दिन ये झंडा मेला आयोजित किया जाता है, उस दिन सिख गुरु रामराय जी का क्या होता है? जन्मदिवस होता है। सिख गुरु रामराय जी के जन्मदिवस के प्रारंभ होने पर इस झंडा मेले का शुभारंभ किया जाता है, और लगभग 15 दिनों तक दोस्तों ये झंडा मेला देहरादून में आयोजित किया जाता है। देहरादून में झंडा मार्केट भी है, तो उसी को याद रखते आप इस मेले को भी यहाँ पे याद इस प्रकार से रख सकते हैं। तो 1676 में यहाँ पे गुरु रामराय जी कहाँ आए थे? देहरादून में आए थे, और इस दिन जितने भी दोस्तों सिख समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के जो भी भक्त हैं, वो यहाँ पे देहरादून आते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं उस दिन? संगत कहते हैं। यानी सिख लोग जो भी इस झंडा मेले में देहरादून आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है। दूसरा मेला है नुणाई मेला, काफी प्रसिद्ध मेला है देहरादून का, और ये देहरादून में जौनसार चक्राता के आसपास के क्षेत्रों में श्रावण मास को आयोजित किया जाता है नुणाई मेला। तीसरा मेला है टपकेश्वर मेला। टपकेश्वर मेला, देखो टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? देहरादून है। तो टपकेश्वर मेला भी कहाँ लगता है दोस्तों? देहरादून में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में आयोजित किया जाता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर एक गुफा है, वहां पे क्या है? शिवलिंग है, और वहां पे क्या होता है? पानी की बूंदें टपकती रहती है, तो इसलिए उस मंदिर को क्या कहा जाता है? टपकेश्वर मंदिर कहा जाता है, टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव को वो मंदिर समर्पित है। तो इसलिए यहाँ पे क्या, कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? टपकेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद चौथा मेला है दोस्तों देहरादून का, वो है भद्रराज मेला। भद्रराज मेला कहाँ लगता है? ये लगता है मसूरी। देखो मसूरी से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है भद्रराज मंदिर, और वहां पे दोस्तों ये भद्रराज मेला आयोजित किया जाता है। भद्रराज मंदिर जो कि भगवान बालभद्र को समर्पित है, तो यहीं पे दोस्तों भद्रराज मेला आयोजित किया जाता है। तो कहाँ आयोजित किया जाता है? मसूरी में, और मसूरी कहाँ आ गया? देहरादून के अंतर्गत। वैसे जितने भी मेले हैं दोस्तों, एक बार डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आपको काफी डिटेल्स में इनके बारे में पहले ही बता चुका हूं, और यदि आपको प्रत्येक मेले के डिटेल्स में नोट्स चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज की दोस्तों हमारे द्वारा ई बुक बनाई गई है, उसको आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज यानी जिला सीरीज के नोट्स PDF। पूरी डिटेल्स में वहां पे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझाया गया है, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों वहां पे 25-30 MCQ क्वेश्चन भी है। तो काफी अच्छी ई बुक है दोस्तों, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पांचवा मेला है दोस्तों वीर केसरी चंद मेला। वीर केसरी चंद ये जौनसारी जनजाति से दोस्तों संबंधित है। वीर केसरी चंद, इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1920 को। कहां हुआ था? चक्राता में हुआ था। जौनसारी जनजाति से संबंधित थे, और जब दोस्तों इनका जन्म हुआ था उसके बाद एक तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये पहले सेना में भर्ती हुए और बाद में ये
आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हो गए थे। और जब आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने क्या किया था, अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तो बाद में अंग्रेजों ने दोस्तों इन पर भी मुकदमा चलाया था। और मुकदमा चलने के कारण 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दे दी गई। और इसीलिए दोस्तों चकराता में प्रतिवर्ष 3 मई को लगता है वीर केसरी चंद मेला। तो समझ गए आप कि वीर केसरी चंद जी कौन थे, और वीर केसरी चंद मेला लगता है 3 मई को, ठीक है, प्रतिवर्ष, क्योंकि 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद जो कि आजाद हिंद फौज के सिपाही थे उनको फांसी दी गई थी। तो प्रतिवर्ष 3 मई को इनकी याद में वीर केसरी चंद मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे छठा मेला है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला ये आपका, देखो मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी में भी लगता है और साथ ही साथ देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में भी आयोजित किया जाता है विश्ववत संक्रांति को। और जौनसारी जनजाति का ये भी एक प्रसिद्ध मेला है बिस्सू मेला। तो देहरादून के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, झंडा मेला, नणाई मेला, टपकेश्वर मेला, भद्रराज मेला, वीर केसरी चंद मेला और बिस्सू मेला। ये सारे मेले दोस्तों आपको नोट करने हैं, बड़े ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। देखो अगर आप मेले के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, वहां के बारे में क्यों वो मेला लगता है, उसका कारण आपको पता है, तो वो मेला आपको 100% याद हो जाएगा कि वो मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हरिद्वार जनपद में लगने वाले प्रमुख मेलों की। तो हरिद्वार में कौन कौन मेले लगते हैं, कुंभ मेला, उर्स मेला और गुघाल मेला। ये उर्स मेला तो कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंभ मेले की। तो देखो कुंभ मेला एक हिंदुओं का प्रमुख महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है और प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला आयोजित कब किया जाता है, जब दोस्तों सूर्य मेष राशि में तथा बृहस्पति होता है कुंभ राशि में। तो सूर्य के मेष राशि में आने पर और बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर आयोजित किया जाता है कुंभ मेला, जो कि हरिद्वार में गंगा के तट पर आयोजित किया जाता है। वैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया जाता है गंगा तट पर कुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है उर्स मेला। उर्स मेला लगता है कहाँ, रुड़की, और रुड़की से लगभग दोस्तों 8 किलोमीटर दूर है पिरान कलियर। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पिरान कलियर कहाँ है, तो ये आपका हरिद्वार में है। इस पिरान कलियर गांव में दोस्तों आयोजित किया जाता है उर्स मेला, क्योंकि इस पिरान कलियर गांव में क्या है, कलियर बाबा यानी अलाउद्दीन अली अहमद साबरी जी की मजार है। उसके बाद तीसरा मेला लगता है हरिद्वार में गुघाल मेला। हरिद्वार के ज्वालापुर में आयोजित किया जाता है। तो हरिद्वार के 3 प्रसिद्ध मेले, कुंभ मेला, उर्स मेला और गुघाल मेला। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और अब बात करते हैं टिहरी जनपद और पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। टिहरी में कौन कौन से मेले लगते हैं, मौड़ मेला, सेमुखेम मेला, ये काफी प्रसिद्ध मेला है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि सेमुखेम मंदिर या सेमुखेम जहां पे मेला लगता है, तो इस सेमुखेम मंदिर का संबंध किस देवता से है, तो वो है नागराज देवता से। उसके बाद रमाई किसान मेला, रणभूत मेला, नागटिब्बा मेला, चंद्रवदनी मेला और विकास मेला, ये प्रसिद्ध मेले हैं टिहरी जनपद के। उसके बाद पौड़ी की बात करें तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला, गिंदी मेला, धनगर मेला और मनसार मेला। तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पे प्रत्येक मेले के बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौड़ मेला। मौड़ मेला इसकी शुरुआत की गई थी टिहरी नरेश नरेंद्र शाह द्वारा। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों, ये आयोजित किया जाता है जौनपुर ब्लॉक में। जौनसारी जनजाति का ये प्रसिद्ध मेला है मौड़ मेला। और इस मेले की प्रसिद्धि ये है दोस्तों कि इसमें मछली पकड़ने का कंपटीशन किया जाता है, मछली पकड़ना। और ये प्रतियोगिता कौन सी नदी में आयोजित की जाती है, ये की जाती है अगलार नदी में। तो इसलिए इसको मछमौड़ मेला के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो मछमौड़ मेला या मौड़ मेला किस जनजाति से संबंधित है, जौनसारी जनजाति से संबंधित है। कौन सी नदी पर ये मछली पकड़ने का जो यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तो अगलार नदी पर ये आयोजित किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इस मौड़ मेले की शुरुआत किसने की थी, गढ़वाल नरेश नरेंद्र शाह द्वारा मौड़ मेले की शुरुआत की गई थी। तो मौड़ मेले के बारे में सारे फैक्ट दोस्तों आपको नोट करने हैं। उसके बाद दूसरा है सेमुखेम मेला।
ये लगता है प्रताप नगर जो ब्लॉक है वहां पे एक गांव है मुखेम गांव, तो वहां का एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों सेम मुखेम मंदिर, पूरे उत्तराखंड में काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और ये मंदिर किस देवता का है, तो ये है नागराजा का। इसके बारे में दोस्तों सेम मुखेम मंदिर पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो अगर आप सेम मुखेम मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का संबंध भी काफी महत्वपूर्ण है इस मंदिर से, तो इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं सेम नागराजा मंदिर बाई जरदारी क्लासेस, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसी सेम नागराजा मंदिर में दोस्तों सेम मुखेम मेला लगता है, और ये प्रत्येक क्या आता है मतलब एक तिसाली मेला इसको बोला जाता है, मंगसीरस माह में ये आयोजित किया जाता है, ठीक है, तीसरे वर्षीय मेला आता है पुनः। उसके बाद यहाँ पे रवाई किसान मेला, ये मेला भी कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका टिहरी के मलेथा में। देखो मलेथा के बारे में आप सभी जानते हैं, माधव सिंह भंडारी जी ने वहां पे क्या की थी, गुल का निर्माण किया था, और अब आप वहां पे देखते होंगे कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे वहां पे क्या है खेत हैं, यानी खेती के लिए वो जाना जाता है, किसान वहां के काफी क्या होते हैं मेहनती होते हैं। तो रवाई किसान मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, मलेथा में आयोजित किया जाता है, इस प्रकार से आप इस मेले को याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रणभूत मेला, तो ये भी टिहरी जनपद में आयोजित किया जाता है। नाग टिब्बा मेला, ये भी टिहरी जनपद का दोस्तों एक प्रसिद्ध मेला है। देखो मैं उसी मेले के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसके बारे में जो भी मैं डिटेल्स बताऊंगा वो आपको जरूर नोट करनी है। चंद्रबदनी मेला, चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है, ये आपका टिहरी जनपद में स्थित है, सुरकंडा मंदिर भी टिहरी जनपद में स्थित है, तो चंद्रबदनी मंदिर में लगता है चंद्रबदनी मेला। विकास मेला, ये भी दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है, तो टिहरी जनपद में आयोजित किया जाता है विकास मेला, तो ये प्रसिद्ध मेले थे टिहरी जनपद के। उसके बाद अगर पौड़ी जनपद की बात करें तो पौड़ी में लगता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ये काफी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मेला है, क्योंकि ये पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। श्रीनगर गढ़वाल में कमलेश्वर मंदिर है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कमलेश्वर मंदिर, कमलेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में है, तो पौड़ी जनपद में है, और पौड़ी जनपद में कहां स्थित है, तो यह है आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित। तो यहीं पे दोस्तों जो प्रथम दिन इस मेले का शुभारंभ होता है, बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ, वो कमलेश्वर मंदिर से ही होता है, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर यहाँ पे क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो दंपति होते हैं जिनकी संतान नहीं होती है, संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करती है, जो ये प्रथम दिन होता है बैकुंठ चतुर्दशी मेले का, उस दिन वो दंपति वहां पे क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये कहां लगता है, श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। दूसरा है गिंदी मेला, ये इसको गेंदी मेले के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेला मकर संक्रांति के अवसर पर दोस्तों पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में आयोजित किया जाता है, और इसमें क्या होता है गिंदी यानी गेंद, तो दो पक्ष यहाँ पे दो धड़ों में पड़ जाते हैं, और यहाँ पे जो पक्ष गेंद को छीन सकता है वो पक्ष विजेता माना जाता है। उसके बाद दनगल मेला और मनसार मेला, ये भी प्रसिद्ध मेले हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद के। तो पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन से मेले हैं, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, गिंदी मेला, दनगल मेला और मनसार मेला। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चमोली और रुद्रप्रयाग की। तो पहले हम चमोली जनपद के प्रसिद्ध मेलों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेले हैं, गोचर मेला, हरियाली पूड़ा मेला, तिमुंडा मेला काफी प्रसिद्ध मेला है, नोठा कोथिक, अठवाड़ मेला, रम्माण महोत्सव, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इसको आप कर दीजिए, और कुलसारी मेला, एक ये हो गया और एक ये हो गया। वैसे देखो एग्जाम में तो कोई भी मेला पूछा जा सकता है, लेकिन जो मेले इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जरूर उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं गोचर मेला, गोचर कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है, तो गोचर में लगता है यहाँ पे गोचर मेला, जो कि एक ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है, और इसकी शुरुआत दोस्तों 1943 में हुई थी, कब हुई थी, 1943 में, तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे बर्नेडी। तो आ सकता है एग्जाम में कि गोचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा गोचर मेले का शुभारंभ किया गया था 1943 में, और ये एक व्यावसायिक मेला है, ठीक है, व्यवसाय के लिए काफी प्रसिद्ध है गोचर मेला। उसके बाद है हरियाली पूड़ा मेला, ये मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, चमोली जनपद के नोटी गांव में। तीसरा है तिमुंडा मेला,
चिमुंडा मेला जो आयोजित किया जाता है ये किया जाता है जोशी मठ में, और जोशी मठ में एक प्रसिद्ध मंदिर है वो है नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर, ये जोशी मठ का नरसिंह मंदिर प्रसिद्ध क्यों है दोस्तों? देखो जो बद्रीनाथ धाम है, उन बद्रीनाथ धाम का जो शीतकालीन आवास है वो है नरसिंह मंदिर। तो जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो नरसिंह मंदिर में यहाँ पे चिमुंडा मेले का आयोजन किया जाता है पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व, और यहाँ पे चिमुंडा वीर का जो पशु होता है उसको देखने यहाँ पे लोग आते हैं। तो चिमुंडा मेले का आयोजन किया जाता है जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में। ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो जनपद का तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन जनपद के साथ साथ ये कहाँ कौन से स्थान पर और किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। तो जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में ये चिमुंडा मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद है नोठा कोथिक, तो ये भी आपका चमोली जनपद के आदि बद्री मंदिर में। ठीक है, देखो पंच बद्री में एक प्रसिद्ध बद्री है आदि बद्री, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में चमोली जनपद डिस्ट्रिक्ट सीरीज में डिटेल्स में बता रखा है पंच बद्री, पंच केदार और जो भी मतलब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं चमोली जनपद से संबंधित। तो अगर आपको डिटेल्स में नोट चाहिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सीरीज के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पंच बद्री में आदि बद्री यहीं पे आयोजित किया जाता है नोठा कोथिक। उसके बाद है अठवाड़ मेला, तो ये भी आपका चमोली जनपद का प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट मेला है दोस्तों रम्माण महोत्सव, ये काफी महत्वपूर्ण मेला है दोस्तों चमोली जनपद का, और इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट। रम्माण महोत्सव ये कब आयोजित किया जाता है? अप्रैल माह में। देखिये मई चल रहा है तो यानी पिछले माह ये आयोजित किया गया था, और मेरे कुछ दोस्त भी है चमोली की, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी वीडियो डाली थी रम्माण महोत्सव की। तो काफी प्रसिद्ध मेला है रम्माण महोत्सव चमोली जनपद का, और इसमें दोस्तों मुखोटा नृत्य आयोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुखोटा नृत्य का संबंध किस मेले से है, तो वो है रम्माण महोत्सव जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में आयोजित किया जाता है। इस मेले के बारे में कुछ अन्य फैक्ट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं। क्या क्या है फैक्ट? देखो इस मेले को एक तो 2008 में क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है उन्होंने दिल्ली में रम्माण उत्सव का आयोजन किया था, और उसके बाद 2009 में यानी इसके एक साल बाद दोस्तों 2009 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था, यूनेस्को द्वारा 2009 में रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी बन सकता है कि रम्माण महोत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? 2009 में। और उसके बाद 2016 में दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की ओर से रम्माण की झांकी प्रस्तुत की गई थी। तो ये वाला फैक्ट और ये वाला फैक्ट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर नोट करने हैं, और मुखोटा नृत्य ये फैक्ट भी। ठीक है, तो मुखोटा नृत्य किया जाता है रम्माण महोत्सव में, 2009 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, और 2016 में उत्तराखंड राज्य द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर रम्माण की झांकी दिल्ली में क्या की गई थी, प्रस्तुत की गई थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों यहाँ पे रम्माण महोत्सव के बारे में। उसके बाद कुलसारी मेला, ये भी आपका चमोली जनपद का एक प्रसिद्ध मेला है। तो दोस्तों प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी मेले लगते हैं जिस जनपद में, वो मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूं, और प्रत्येक मेला में यहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट है उसका नाम मैं आपको यहाँ पे जरूर बता रहा हूं, ताकि एग्जाम में मेले से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें, उससे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए यहाँ पे लगातार नई नई वीडियो हम लेके आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध मेले, कौन कौन से मेले हैं रुद्रप्रयाग जनपद में जो आयोजित किया जाते हैं? जाक मेला, भतूज मेला और मठियाना मेला। जाक मेला ये आपका कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी में लगता है। जाक देवता का यहाँ पे दोस्तों मंदिर है, तो जाक देवता मंदिर जो कि गुप्तकाशी में स्थित है वहां पे इस जाक मेले का आयोजन किया जाता है रुद्रप्रयाग में। और जाक देवता का जो पशु है दोस्तों वो जलते हुए अंगारों पर नृत्य करता है, तो इसलिए ये जाक मेला काफी प्रसिद्ध है
रुद्रप्रयाग का। दूसरा मेला है भतूज मेला, ये भी आपका कहाँ लगता है? ये लगता है केदारनाथ में। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व दोस्तों ये मेला आयोजित किया जाता है और यहाँ पे भगवान शिव के स्वयंभू लिंग की क्या हो जाती है, पूजा की जाती है भतूज मेले में। तीसरा है मठियाना मेला, ये भी आपका कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग जनपद का एक प्रसिद्ध मेला है मठियाना मेला। एक अन्य मेला भी है वैसे हरियाली देवी मेला। तो ये तीन मेले जो कि रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध मेले हैं, ये आपको जरूर यहाँ पे क्या करना है, नोट करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखो अभी तक हमने जितने भी मेलों के बारे में चर्चा की वो लगभग सभी गढ़वाल मंडल से संबंधित है। गढ़वाल मंडल में जितने भी जनपद आते हैं उनके मेले हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं कुमाऊं मंडल की ओर, और कुमाऊं मंडल में जितने भी जनपद हैं उनके प्रसिद्ध मेलों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा जनपद से। अल्मोड़ा जनपद के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? गणनाथ मेला है, सियालदेव बिखोती मेला, सोमनाथ मेला, श्रावणी मेला, नंदा देवी मेला और बगवाली पोखर मेला। तो देखो जो गणनाथ मेला है ये गणनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है अल्मोड़ा में। गणनाथ मंदिर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा का गणनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है या किस भगवान का मंदिर है? तो यह है भगवान शिव का मंदिर। तो भगवान शिव के इस गणनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है गणनाथ मेला। दूसरा है सियालदेव बिखोती मेला, ये भी कहां आयोजित किया जाता है? अल्मोड़ा के द्वारहाट कस्बे में प्रतिवर्ष बैसाख माह में आयोजित किया जाता है सियालदेव बिखोती मेला। और ये कब लगता है? तो ये लगता है बैसाख माह में, बिखोती मेला लगता है बैसाख माह में, ठीक है? तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बिखोती मेला कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे सोमनाथ मेला। देखो सियालदेव बिखोती मेला में कौन कौन से यहाँ पे गीत गाए जाते हैं? झोड़े और भगनोल यहाँ पे गीत गाए जाते हैं सियालदेव बिखोती मेले में। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे सोमनाथ मेला, ये भी अल्मोड़ा जनपद का एक प्रसिद्ध मेला है और अल्मोड़ा जनपद में दोस्तों सोमेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है, सोमेश्वर मंदिर। किसका मंदिर है? ये महादेव का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है। तो सोमेश्वर महादेव मंदिर में ये सोमनाथ का मेला आयोजित किया जाता है अल्मोड़ा में। ये सोमनाथ मेला कई दिनों तक चलता है। पहले दिन जब इसका आयोजन किया जाता है तो उस दिन इसको कहते हैं सल्टिया मेला, और इसका जो दूसरा दिन होता है उस दिन इसे क्या कहते हैं, फुल मेला या बड़ा मेला, और अन्य जितने दिनों तक भी चलता है उन्हें कहते हैं छोटा मेला यानी नान कौतिक। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के सोमेश्वर मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। चौथा यहाँ पे श्रावणी मेला, ये काफी प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है, जागेश्वर धाम में आयोजित किया जाता है श्रावणी मेला अल्मोड़ा में, और लगभग दोस्तों एक माह तक ये आयोजित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नंदा देवी मेला, नंदा देवी मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष भाद्र मास में यानी जो भाद्रपद होता है, भाद्र मास होता है, उसकी अष्टमी के दिन आयोजित किया जाता है नंदा मेला। और इस मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी अल्मोड़ा में? मैंने आपको इतिहास में बता रखा है दोस्तों, उत्तराखंड का हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, नंदवंश पंवार वंश जो हमारी नई सीरीज है 2022 की भी, उसमें आपको डिटेल्स में बता चुका हूं उत्तराखंड हिस्ट्री के बारे में। तो 1671 के आसपास ऐसा माना जाता है कि जो चंद नरेश थे, बाज बहादुर चंद, इन्होंने गढ़वाल नरेश को पराजित करके बधानकोट किले से नंदा देवी की मूर्ति वहां से लाई थी और अल्मोड़ा में स्थापित की थी, क्योंकि इस समय जो चंद नरेशों की राजधानी हुआ करती थी वो अल्मोड़ा हुआ करती थी, तो इन्होंने अल्मोड़ा में नंदा देवी की मूर्ति स्थापित की थी। तो तब से दोस्तों प्रतिवर्ष यहाँ पे नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। और 1815 में दोस्तों कमिश्नर ट्रेल द्वारा जो ये नंदा देवी मूर्ति थी इसको अल्मोड़ा से हटाकर अल्मोड़ा के मल्ला महल में मूर्ति रखी गई थी, और अल्मोड़ा के मल्ला महल से कमिश्नर ट्रेल ने इस मूर्ति को हटाकर परोतेश्वर मंदिर में स्थापित कराया था। तो ये फैक्ट भी आप अपनी जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। तो नंदा देवी मेले की शुरुआत चंद शासन काल से यहाँ पे शुरू हुई थी अल्मोड़ा में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मेला बगवाली पोखर मेला, काफी प्रसिद्ध मेला है ये भी, और इसका आयोजन भी कहाँ किया जाता है? तो अल्मोड़ा जनपद में ये मेला आयोजित किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पे है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जनपद में दोस्तों दो प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। बाला सुंदरी मेला, इसको चैती मेला के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेला भी एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि किस मेले को बाला सुंदरी मेले के नाम से जाना जाता है, तो आंसर आ जाएगा चैती मेला। और ये किस जनपद में आयोजित किया जाता है, तो ये है आपका आंसर उधम सिंह नगर जनपद में। जो ये चैती मेला है ये आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में आयोजित किया जाता है, क्योंकि वहां पे है बाला सुंदरी देवी का मंदिर और चैत्र मास में आयोजित किया जाता है, तो इसलिए इसको चैती मेला के नाम से जाना जाता है। और दूसरा यहाँ पे अटारिया मेला, ये भी आपका उधम सिंह नगर का एक उधम सिंह नगर जनपद का प्रसिद्ध मेला है, जो कि रुद्रपुर के अटारिया देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो अटारिया मेला और बाला सुंदरी मेला ये आयोजित किए जाते हैं उधम सिंह नगर में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और अन्य दो जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ के प्रमुख मेलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं चंपावत से। देखो चंपावत में कौन कौन मेले लगते हैं, बहुत सारे मेले लगते हैं यहाँ पे चंपावत और पिथौरागढ़ में। पूर्णगिरी मेला, देवीधुरा मेला, लड़ीधुरा मेला, मानेश्वर मेला, गोरा अठावली त्योहार, कड़ाई देवी मेला और झूला मेला। तो एक एक करके इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें पूर्णगिरी मेले के बारे में, तो ये लगता है आपका चंपावत के टनकपुर में, वहां पे टनकपुर में है पूर्णगिरी मंदिर, तो यहीं पे आयोजित किया जाता है पूर्णगिरी मेला चंपावत के टनकपुर में। ठीक है, अब देखो जो ये पूर्णगिरी मंदिर है ये आपका अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है, और पूर्णगिरी जो पूर्णगिरी मंदिर है इसकी गणना की जाती है माता सती के शक्ति पीठों में से। कब आयोजित किया जाता है मेला, चैत्र मास में। उसके बाद यहाँ पे देवीधुरा मेला, इसको दोस्तों आषाढ़ी मेला या बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करो चंपावत जनपद के जितने भी मेले हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मेला है देवीधुरा मेला। इंपॉर्टेंट आप इसको कर दीजिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देवीधुरा मेला को बग्वाल मेला क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो देवीधुरा मेला है ये चंपावत में कहाँ आयोजित किया जाता है, चंपावत जनपद के माँ वाराही देवी मंदिर में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाराही देवी मंदिर, वाराही देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है देवीधुरा मेला। ये देवीधुरा मेला क्यों प्रसिद्ध है, ये आपका पाषाण युद्ध के कारण प्रसिद्ध। पाषाण युद्ध यानी पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों का युद्ध यहाँ पे किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बग्वाल। वैसे देखो ये रक्षाबंधन के दिन किया जाता है, लेकिन इस पाषाण युद्ध को दोस्तों क्या कहते हैं, बग्वाल युद्ध कहते हैं, तो इसलिए इसको बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस बग्वाल मेले में दो गुटों में लोग बंट जाते हैं और एक दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, वाराही देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है और पाषाण युद्ध, तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया है। काफी प्रसिद्ध मेला है देवीधुरा मेला। तो जो भी आपको डिटेल्स में बताया जाता है वो आपको नोट करना है। उसके बाद है लड़ीधुरा मेला, ये भी चंपावत का एक मेला है, प्रसिद्ध मेला। मानेश्वर मेला है, उसके बाद ये भी कहां लगता है, तो चंपावत में मायावती आश्रम में, मायावती आश्रम ये कहां है आपका, तो ये है चंपावत में। देखो मायावती आश्रम ये प्रसिद्ध है रामकृष्ण मठ की शाखा के रूप में, ये एक रामकृष्ण मठ की शाखा है। और इस मायावती आश्रम, इसको दोस्तों अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा पाकर 1899 में एच सोवियर द्वारा दोस्तों इस मठ की या इस आश्रम की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आयोजित किया जाता है मानेश्वर मेला मायावती आश्रम में, और ये मायावती आश्रम कहाँ है, तो यह आपका चंपावत में स्थित है। उसके बाद है गोरा अठावली त्योहार, ये भी आपका चंपावत में आयोजित किया जाता है, और ये राजी जनजाति का एक प्रसिद्ध त्योहार है, वैसे त्योहार में आना चाहिए था। ठीक है, तो इसको आप त्योहार में नोट कर सकते हैं, अभी आपको इसी वीडियो में त्योहार के बारे में बताया जाएगा। तो गोरा अठावली त्योहार ये चंपावत में राजी जनजाति का एक प्रसिद्ध त्योहार है। उसके बाद है कड़ाई देवी मेला और झूला मेला, ये भी प्रमुख मेले हैं चंपावत जनपद के। अब बात करें अगर पिथौरागढ़ जनपद की, तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, जोरजी मेला, थल मेला, बोराड़ी मेला, मोस्ट मानो मेला, रामेश्वर मेला और हाट कालिका मेला। वैसे जितने भी मेले हैं अधिकार इसमें जोरजी मेला हो गया,
और रामेश्वर मेला हो गया। यहाँ पे किसी ना किसी नदी का क्या होता है, संगम स्थल है। देखो जो सबसे प्रसिद्ध मेला है जोरजीवी मेला, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में, जहां पे काली और गोरी नदी का संगम होता है। काली और गोरी नदी कहाँ होता है, काली और गोरी गंगा का संगम, तो ये होता है दोस्तों जोरजीवी नामक स्थान पे। तो यहाँ पे काली एवं गोरी नदी के संगम स्थान पर लगता है जोरजीवी मेला, और इस मेले की शुरुआत सर्वप्रथम 1914 में हुई थी, और इस मेले के शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है गजेंद्र बहादुर को। गजेंद्र बहादुर 1914 में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मेले की अगर हम बात करें थल मेला, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है बालेश्वर थल मंदिर में, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और इस थल मेले को दोस्तों जलियांवाला बाग दिवस मनाए जाने की याद में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 13 अप्रैल 1940 को। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि जलियांवाला बाग से संबंधित कौन सा मेला पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित किया जाता है, थल मेला आयोजित किया जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो उस दिन की याद में इस मेले की शुरुआत की गई थी, और लगभग ये मेला 20 दिनों तक चलता है। उसके बाद है बोराड़ी मेला, ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद का एक प्रसिद्ध मेला है। मोस्ट मानो मेला, हाट काली का मेला हो गया। रामेश्वर मेला, रामेश्वर मेला कहाँ लगता है, ये भी आपका लगता है जहां पे सरयू और राम गंगा का मिलन होता है। नदी तंत्र मैंने काफी डिटेल्स में आपको परीक्षा वाणी सीरीज में विद मैप के माध्यम से बताया था, और वहां पे आपको बताया था कि यहाँ पे रामेश्वर में सरयू और राम गंगा का क्या होता है, मिलन होता है। तो इसी संगम स्थल पर दोस्तों रामेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है पिथौरागढ़ में। तो रिवर सिस्टम परीक्षा वाणी का आप जरूर देखें, काफी डिटेल्स में आपको विद मैप के माध्यम से वो समझाया गया है। तो परीक्षा वाणी सीरीज में दोस्तों काफी टॉपिक आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कवर हो जा रहे हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे इसी क्रम में परीक्षा वाणी सीरीज आपको कंप्लीट कराएंगे। तो ये हो गए यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख मेले। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नैनीताल के प्रमुख मेलों की। नैनीताल में कौन कौन से मेले लगते हैं, हरियाली मेला जिसको हरेला मेला के नाम से भी जाना जाता है, सीतावनी मेला, जियारानी मेला और कैंची धाम मेला। जो ये हरियाली मेला है या हरेला मेला है, इसका शुभारंभ किया जाता है श्रावण मास की संक्रांति को, श्रावण या सावन मास। आप देखते होंगे जो श्रावण मास होता है उस समय चारों ओर हरियाली रहती है, हरा भरा रहता है, मतलब प्रत्येक जो आसपास आप देखते होंगे अपने आसपास के क्षेत्रों में घास उगी रहती है, हरी हरी घास, और उस समय धान की रुपाई का ये समय होता है, तो धान भी काफी मतलब रुपाई तो हो जाती है लेकिन हरी हो जाती है बिल्कुल धान, तो चारों ओर हरियाली देखने को मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों श्रावण मास की संक्रांति के दिन इस हरियाली मेले का क्या किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। दूसरा यहाँ पे सीतावनी मेला, तो ये नैनीताल में सीतावनी मंदिर जो कि माता सीता को समर्पित है, सीतावनी मंदिर, वहां पर सीतावनी मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरा है जियारानी मेला, जियारानी बाग कहाँ है, नैनीताल में स्थित है, और नैनीताल के प्रसिद्ध जो रानी बाग या जियारानी बाग भी उसे कहते हैं या रानी बाग भी उसे कहते हैं, तो वहां पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जियारानी मेला। उसके बाद इस जियारानी मेले का ऐतिहासिक महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कैंची धाम मेला, तो ये भी आपका नैनीताल में आयोजित किया जाता है। तो नैनीताल जनपद के मेलों के बारे में एक बार दोबारा देखें, हरियाली मेला, सीतावनी मेला, जियारानी मेला और कैंची धाम मेला। नेक्स्ट यहाँ पे बागेश्वर जनपद, तो बागेश्वर में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, उत्तरायणी मेला, कोटकी माई मेला और पिनाक मेला। उत्तरायणी मेला काफी प्रसिद्ध मेला है बागेश्वर का, जो कि सरयू और गोमती नदी के तट पर हर साल मकर संक्रांति को आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायणी मेला आयोजित किया जाता है बागेश्वर में। इसको दोस्तों उत्तरायणी मेले को घुघुतिया त्योहार भी कहते हैं। कौन सा त्योहार, घुघुतिया त्योहार, और कब लगता है, लगभग ये 14 जनवरी को लगता है, मतलब जिस दिन मकर संक्रांति हो, ठीक है। अब मकर संक्रांति कभी 13 जनवरी को आती है, कभी 14 को, कभी 15 को। और इस मेले का ऐतिहासिक संबंध भी है, क्योंकि 14 जनवरी 1921 को दोस्तों भद्रदत्त पांडे जी के नेतृत्व में ही यहाँ पे कुली बेगार प्रथा का समापन किया गया था।
यहाँ पे शपथ ली गई थी कि हम आज से क्या नहीं देंगे, बेगार नहीं देंगे। किसके नेतृत्व में? बद्रीनाथ पांडे जी के नेतृत्व में। उसके बाद यहाँ पे कोटकी माई मेला, ये भी आपका भ्रामरी मंदिर में लगता है बागेश्वर में। और तीसरा है पिनाथ मेला जो कि पिनाकेश्वर महादेव मंदिर में लगता है बागेश्वर में। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख मेले थे उत्तराखंड के, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे प्रत्येक मेले के बारे में आपको डिटेल्स में समझा दिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों की। देखो जितने भी मेले हैं उत्तराखंड में वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि त्योहार भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे मेले और त्योहार जितने भी उत्तराखंड में सारे इसी वीडियो में आपको मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं प्रमुख त्योहारों की। सबसे पहले है मकर संक्रांति, जिसको घुघुतिया त्योहार भी कहा जाता है, और प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है माघ माह में। अगर हिंदी के वर्षों की बात महीनों की बात करें तो माघ माह में एकगते, क्योंकि एकगते को क्या होता है, मकर संक्रांति होती है। और अगर बात करें जनवरी, मतलब अंग्रेजी महीनों में जनवरी माह को आती है, 13, 14 या 15 जनवरी के आसपास, ठीक है, मोस्टली 14 जनवरी और कभी 13 जनवरी। तो इसे घुघुतिया त्योहार के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है मकर संक्रांति को, या घुघुती त्योहार, क्योंकि इस दिन क्या होते हैं घरों में क्या बनाए जाते हैं, आटे के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, उनको छोटे छोटे जो गोले बनाए जाते हैं उनको घुघुत कहा जाता है, और इन घुघुत को किसको खिलाया जाता है, कौओं को खिलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे घी संक्रांति, या इसको ओलगिया त्योहार भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट त्योहार है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओलगिया त्योहार किसे कहते हैं। ऑप्शन में आ गया मकर संक्रांति, घी संक्रांति, फूल संक्रांति या विश्वत संक्रांति, तो आपका आ जाएगा घी संक्रांति। इस दिन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये कब आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है भाद्रपद में, यानी भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है घी संक्रांति या ओलगिया त्योहार। ये भी देखो जितनी भी संक्रांति आएगी वो लगभग एक गते को आयोजित की जाएगी, जो मंथ का पहला दिन होता है, और पूरे उत्तराखंड में लगभग इस दिन घी खाना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे फूल संक्रांति, फूल संक्रांति, ये इसको फूल देवी के नाम से भी जाना जाता है। देखो प्रत्येक त्योहार का संबंध दोस्तों किसी न किसी विशेष तथ्य से जुड़ा हुआ है। देखो अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, तो इस दिन सूर्य क्या करता है, मकर रेखा में प्रवेश करता है, तो इसलिए यहाँ पे मकर संक्रांति का आयोजन किया जाता है। घी संक्रांति की बात करें तो इस दिन क्या होता है, जो फसल होती है उस समय जो फसल बोई रहती है उसमें बाली लग जाती है, तो इसलिए वहाँ पे उस खुशी में क्या किया जाता है, घी खाया जाता है, और इस खुशी में घी संक्रांति यहाँ पे आयोजित की जाती है भाद्रपद मास में, ठीक है। विशेषकर उस समय अनाज की फसल रहती है, तो अनाज की फसल में उस समय बलिया लग जाती है। तो प्रत्येक त्योहार का दोस्तों एक विशेष संबंध है, प्रकृति से संबंध है प्रत्येक त्योहार का, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद बात करें फूल संक्रांति की, फूल देवी इसको कहा जाता है, और ये होती है चैत्र मास में, फूल फुलारी चैत्र की आपने सुना होगा, चैत्र मास में एक गति को ये भी क्या होती है, फूल संक्रांति आयोजित की जाती है, जिसे फूल देवी कहा जाता है, और हिंदू वर्ष का ये प्रथम दिन होता है, क्योंकि हिंदू वर्ष का प्रथम मास होता है चैत्र मास, और चैत्र मास का एक गति यानी हिंदू वर्ष का प्रथम दिन इसको माना जाता है। और इस समय बच्चे क्या करते हैं, घर घर में जाकर डेरियों में क्या रखते हैं, फूल रखते हैं, घर के आंगन के बाहर, दरवाजे के बाहर डेरी में फूल रखते हैं, क्योंकि इस समय लगभग प्रत्येक जो पेड़ होता है उसमें क्या खिल देते हैं, फूल खिले रहते हैं, चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बिखोती यानी विश्वत संक्रांति, तो ये बैसाख माह में आयोजित किया जाता है, बैसाख माह की एक गते को, और इस दिन उत्तराखंड में ये मान्यता है कि इस दिन तीर्थ यात्रा का शुभारंभ भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हरेला त्योहार, हरेला यानी हरा भरा, और हरा भरा कौन सा मास रहता है, श्रावण मास, श्रावण मास चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, लगभग चारों तरफ घास ही घास, हरी घास, और साथ ही साथ अनाज की फसल बिल्कुल हरी हो जाती है। तो श्रावण मास के पहले दिन दोस्तों या एक गति को हरेला त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे खतड़वा त्योहार, ये कहाँ मनाया जाता है, विशेष तौर पर यह कुमाऊं में मनाया जाता है, और इस त्योहार को दोस्तों गो त्योहार या
पशु त्योहार के नाम से भी जाना जाता है खतुड़वा त्योहार को। नेक्स्ट यहाँ पे चैतोल त्योहार, ये चैत माह की अष्टमी को मनाया जाता है और इस दिन यहाँ पे शिव भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। देवल देवता जो कि शिव के अंश हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। विशेष तौर पर ये चैतोल त्योहार कुमाऊं जनपद कुमाऊं मंडल में ही मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आठों त्योहार, ये भी आपका भाद्रपद में आयोजित किया जाता है त्योहार और इसमें विशेष तौर पर चांचरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस दिन चांचरी नृत्य का आयोजन और इस आठों त्योहार में दोस्तों गोरा और महादेव की क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो चांचरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है आठों त्योहार। उसके बाद जो अन्य त्योहार है कलाई त्योहार, ये दोस्तों फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई त्योहार। उसके बाद है जागरा त्योहार, देखो ये जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार है और साथ साथ ये महासु देवता का प्रसिद्ध त्योहार है जागरा त्योहार। और महासु देवता किसके प्रसिद्ध देवता है, जौनसारी जनजाति के। उसके बाद है नुनाई त्योहार, ये भी आपका विशेष तौर पर जौनसारी जनजाति का एक प्रसिद्ध त्योहार है। श्रावण मास को यह भी मनाया जाता है दोस्तों और जौनसार बावर क्षेत्र है उसके मतलब उस क्षेत्र में विशेष तौर पर मनाया जाता है नुनाई त्योहार। उसके बाद है भिरोली त्योहार, ये संतान कल्याण हेतु मनाया जाता है। फिर दीपावली, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध पर्व है दीपावली और इसको बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड में। और दीपावली में भेला खेल भी खेला जाता है, भेला घुमाया जाता है उसको जलाकर, आपने देखा होगा। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। उसके बाद है रक्षाबंधन, भाई बहन का त्योहार है, बहन क्या करती है भाई के हाथ पर राखी बांधती है। उसके बाद है बैंसी त्योहार, ये त्योहार दोस्तों श्रावण में और पौष माह में मनाया जाता है। उसके बाद है सारा त्योहार, इस दिन यह माना जाता है कि इस दिन की जाती है नंदा देवी के दूतों की पूजा और इसकी मान्यता है कि इससे क्या रहता है, गांव खुशहाल रहता है, गांव में कोई भी बीमारी नहीं आती है। विशेष तौर पर यह गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है बैसाख माह में। दोस्तों ये कुछ प्रमुख त्योहार थे उत्तराखंड के और आज हमने दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों और प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा की। जितने भी त्योहार हैं, जितने भी मेले हैं उत्तराखंड में, सबके बारे में इसी वीडियो में मैंने कंप्लीट यहाँ पे चर्चा की, क्योंकि काफी बड़ा ये टॉपिक था, प्रत्येक मेले के बारे में आपको डिटेल्स में भी बताना था और प्रत्येक जनपद में जितने भी मेले आयोजित किए जाते हैं वो भी आपको बताने थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।